नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा। मैं हूं आपके साथ अरसला खान। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, आईपा का मकसद है देश में एक प्रगतिशील राजनीति जो बात करता है जाति धर्म से हट के विकास की राजनीति की, जो जनता को एक मंच देता है ताकि वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सके। इसी मकसद से आज आईपा की टीम साहिबाबाद के इंदिरापुरम वार्ड नंबर 81 में आज आईपा की टीम आ चुकी है और आम लोगों से जुड़ के बात करते हैं कि क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, कैसे आगामी चुनाव, आने वाले चुनाव में वो अपनी कैसी सरकार चुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका नाम? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छी होनी चाहिए, सरकार मतलब ऐसा होनी चाहिए जो जनता की सुने और जनता के बारे में सुख दुख में काम आए और उसके हर मतलब मददगार हो जनता। ऐसा मतलब सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब जनता के सुख दुख में काम ना आए और अपने अपने काम से मतलब रख के। तो मतलब क्या अभी जो जैसे पौने पाँच साल में जो सर मौजूदा सरकार है, क्या कुछ बदलाव किए हैं, क्या कुछ विकास किया है, सहमत हैं आप? हाँ, सरकार ने बहुत बदलाव किया है, काफ़ी मतलब चीज़ों की तरक्की हुई है, हर चीज़ की मतलब ट्रैफिक और जाम हर चीज़ सुविधाएँ दी हैं, मतलब ट्रैफिक कम हो गए हैं रोडों में, पब्लिक कम हो गई है। ऐसे सरकार होनी चाहिए मतलब कि, और ये कोरोना पे सरकार ने बहुत मतलब रोकथाम की, हमारी सरकार ने जो मदद की है और ये मतलब काफ़ी जागरूक हुआ है सरकार ने, मतलब साहब काफ़ी विकास किया है, ये कहना चाह रहे हैं। जो कोरोना की बात करी, कोरोना काल में क्या सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से, जैसे कोवैक्सीन वगैरह है वो तो सबके, आप भी वैक्सीनेटेड है? हाँ जी, हमने वैक्सीन लगवा ली है। अच्छा, तो और क्या सुविधाएं मिली, हॉस्पिटल उसकी सुविधा है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की क्या सुविधा दी है सरकार? सुविधाएं दी है स्कूल की, यूनिवर्सिटी हर चीज़ की सुविधा दे रही है और मतलब खाने राशन पानी गरीबों को वितरित कर रही है, हर चीज़ की सुविधा देख रही है, चिकित्सक भी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई? बेरोजगारी और महंगाई तो ये जैसे भी है ठीक ही है, लेकिन ये कोरोना के चलते लोगों को दिक्कतें आई हैं और मतलब समस्याएं जो हैं थोड़ी बहुत है ही हैं। समस्याएं, आपका कहना है समस्याएं चलती रहती है लेकिन विकास हो रहा है, सरकार से सहमत है। और लोगों से भी बात करते हैं, उनकी क्या राय है, वो किस तरीके की सरकार चुनना पसंद करेंगे। आपका नाम? दशरथ प्रसाद जी। दशरथ जी, बताइए कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो ऐसी होनी चाहिए कि गरीब लोगों की मदद हो, सबकी मदद होती रहे, हैं किसी तरह की दिक्कत ना आवे, हैं चलते रहना चाहिए उस सरकार को। दिक्कत ना है मतलब सरकार विकास करे। हाँ, विकास करे, विकास के रास्ते पे चलते रहे और माने अपना भारत का विकास हो, सब तरह के देखते रहे। तो और क्या कुछ चाहते हैं, क्या उम्मीदें, क्या अपील करेंगे सरकार से, बताइए आईपा के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे कि जनता क्या चाहती है, क्या और कुछ क्या विकास देखना चाहती है जनता? जो विकास हो रहा है इस सरकार में वो तो सही है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है और ऐसे बीमारी के चलते तो लोग कुछ दिन परेशान हैं, सब ठीक हो जाएगा ऐसा लगता है। अच्छा, तो सरकार से सहमत है। चलिए और लोगों से पूछते हैं कि वो कितने सहमत हैं सरकार से और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, आप बताइए आपका नाम? उदय सिंह। उदय जी, कैसी सरकार है, विकास, प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा मिले, विकास को बढ़ावा मिले या जाति धर्म से कितना सहमत है आपको लगता है सरकार? धर्म का कोई मतलब नहीं है, जो गवर्नमेंट अच्छे काम करती है कोई भी पार्टी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का मतलब है दायित्व है कि जो अच्छे काम करें, हर आदमी का विकास करें, सड़क नाली रोड बिजली चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, इन सब का काम जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और इस गवर्नमेंट में 5 वर्षीय में जितना करप्शन कम किया गया है, करप्शन कम किया गया है वो बहुत अच्छा किया गया है। पीछे की गवर्नमेंटों में करप्शन को बढ़ावा मिलता था और इस गवर्नमेंट में करप्शन कम किया गया है। और 5 साल योगी जी को और चाहिए जो कि और जो भी बचा खुचा करप्शन है वो और कम हो जाए। करप्शन जैसे कम हो गया आपने बोला, तो अभी वार्ड नंबर 81 की क्या कुछ समस्याएं, यहाँ पूरा विकास हो चुका है आपको लगता है? यहाँ जो भी है देखो, 5 वर्ष में अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो भी बनी है 5 वर्षीय में जो है बहुत काम किया है और आने वाला जो 5 वर्ष और मिलेगा उसमें इसका दूना काम होगा और विकास होगा। सभी का साथ है, सभी का विकास है और इसमें जात पात से कोई मतलब नहीं है। पार्टी जो है खुद अपने विधायकों को भी संरक्षण ये दे रखा है कि किसी तरह की कोई हमारे पास किसी की सपोर्ट लेके नहीं आएगा और ना आता है इसमें।
और बढ़िया काम कर रही है। विधायक जी भी सपोर्ट करते हैं वार्ड नंबर 81 के? विधायक समस्याएं सुनते हैं और बदलाव वगैरह आप नहीं, जो उनके पास जाता है उसकी समस्या जितनी भी होती हो तो सुनते ही हैं। चलिए आप बताइए अंकल। सरकार तो ये भी ठीक ही है जी, बताओ। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम खेमचंद है। अच्छा, आप बताइए कैसी सरकार चाहते हैं? इस सरकार से, मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, मौजूदा सरकार ठीक है। अच्छा, क्या कुछ विकास किए हैं सरकार? विकास भी हुआ है, इसमें विकास भी हुआ है और काम भी सही कर रही है। रोजगार की समस्या, महंगाई वगैरह कुछ समस्या नहीं है? नहीं, समस्या तो है रोजगार की, रोजगार तो ढीले पड़े हैं सभी के। अच्छा, रोजगार तो वो भी तो विकास का हिस्सा है ना, तो उसमें विकास का तो है, लेकिन क्या करें, कोरोना रोज हो तो सरकार क्या करेगी। तो अभी सरकार कौन सी सरकार की वोट देने जाते हैं? हाँ, जाते हैं। सरकार चुनेंगे इस बार, समय बताएगा ये तो। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो ये थी वार्ड नंबर 81 के लोगों की समस्याएं भी है, रोजगार की समस्या, महंगाई की समस्या है सभी लोगों के साथ, लेकिन मौजूदा सरकार से बिल्कुल सहमत है, मोहलत देना चाहेंगे 5 साल और विकास करें, आगे यही सरकार का चयन करेंगे ताकि और जो कमियां रह गई हैं अपील करेंगे सरकार उसमें विकास करे, उसमें बदलाव करे। तो आज के लिए इतना ही, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, धन्यवाद।